Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now see question 27. Question is, when a 60 watt and 220 volt bulb and 100 watt and 220 volt bulb, दोनों बल्ब में वोल्टेज सेम है बट उनकी पावर रेटिंग्स एक की 60 वाट एक की 100 वाट. बल्ब आप जब इन्हें सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर, कौन सा बल्ब ज्यादा तेज जलेगा. सिंस रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी, ये होता है रेजिस्टेंस ऑफ. यहाँ पे 60 वाट के बल्ब का देखें, R जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर है, तो पावर कम होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा. तो 60 वाट के बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और जब बल्ब इज मोर देन रेजिस्टेंस ऑफ द 100 वाट बल्ब, 100 वाट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस ऑफ पावर. व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, और जब उन्हें सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा तो करंट तो दोनों बल्ब में सेम रहेगा क्योंकि सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है. हैंस जो 60 वाट का बल्ब है विल मोर ब्राइटर, उसमें ज्यादा रोशनी होगी. क्यों, क्योंकि P जो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R, I स्क्वायर R के लिए होता है और रेजिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा है पावर कम है तो इसका मतलब करंट जो होगा वो सेम है यहाँ पे. तो यहाँ P जो है वो डिपेंड करेगी कि जो पावर है कम होगी तो ब्राइटनेस ज्यादा होगी बल्ब के अंदर.